मुझे छोड़कर सब पर कृपा कर रहे हैं भगवान, मेरी तरफ भी देखो, मेरी तरफ भी हे भगवान, मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों? वापस काहे को आई? एसी फर्स्ट क्लास का मैंने टिकट निकलवा के दिया, फ्रूट्स दिया, पानी दिया, फिर भी तुम निकल? अरे मैंने कितनी विनम्रता से तुम्हें समझाया था कि लौट कर मत आना, फिर भी तुमने मेरा घोर इंसल्ट किया। फ्रस्ट्रेशन, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया है। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे चाचा से बदला लेना ही पड़ेगा। लेता हूँ तुम्हें अगवा करके। भगवान तुम भी लो, लेके चलो इसे। कितना पकड़ेगा अगर तुम भाग गए तो? अरे नहीं भागूंगा गधेड़ा, तू चल ना। तुम्हारा अमेरिकन बॉयफ्रेंड? लगता है इसने इंडियन फिल्में नहीं देखी, वरना मुझ जैसे खोखार मिलन से पंगा लेने के लिए इन हिजड़ों की फौज नहीं लेके आता। चल आंदे 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 चल। बाबर मुंह से बात करनी है या हाथ से लात खानी है? पूछ रहा हूं, बात करेगा या मार खाएगा? बात करेंगे ना? तेरी दुश्मनी इसके बाप के साथ है तो जाके उससे बदला ले। हम दोनों की लव स्टोरी में उंगली मत कर। ये उस घर की बेटी हुआ करती थी, पर अब ये मेरी बीवी है। इसलिए अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो उसका इतना बुरा हाल करूंगा कि यमराज भी उसे पहचान नहीं पाएगा। अरे पटेल, इतनी पटेली क्यों कर रहा है? कूल डाउन मैन। अबे बुच्चे, तू पहले मेरी बात प्यार से सुन लेता तो तेरे आदमियों को मारता ही नहीं। अब पगार के अलावा तेरा मेडिकल का खर्चा भी बढ़ गया है कि नहीं? पटेल को बजट से बाहर जाने वाली चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, और तू तो ओवर बजट जा रहा है। इसलिए कंट्रोल कर, वरना तेरा अकाउंट क्लोज। ये सब जावा दे, फिर भी तेरा मेरे साथ लड़ने का कभी मन किया तो नंबर नोट कर, जल्दी नोट कर। 9703322555555। ऐसा क्यों? सिचुएशन डिमांड। लोगों की फैन फॉलोइंग होती है और पटेल की फोन फॉलोइंग। भैया जी, आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्रिकेट में 6 रन बनाने के लिए एक बॉल काफी है, लेकिन अगर सेंचुरी मारनी हो तो कुछ डॉट बॉल्स भी खेलनी पड़ती है। रेडप्पा को मैं एक दिन रन आउट करके ही रहूंगा, और उसके बाद ही मैं मेरी सेंचुरी पूरी करूंगा। ओ साले साहब, जब गुंडे इसको लेकर जा रहे थे तो ये अपना मुंह खोल के चिल्ला नहीं सकती थी? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अगर लड़की ने कुछ बोल दिया तो पति पत्नी बिछड़ जाते हैं। अच्छा साले, तुम लोग संभल कर घर चले जाओ, मैं एक पुराना अकाउंट सेटल कर गया था। ये तुम्हारे आदमी है? अबे मैं क्या द्रौपदी हूँ जो मेरे इतने आदमी होंगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज का फाइट सीन अपनी फिल्म में रख सकता हूँ? मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ जो हुआ वो घर पे मत बताना। सही टाइम पर लिफ्ट देके तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अच्छा, यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट मुड़ जाना, हाईवे मिल जाएगा, मैं चलता हूँ। ए शाणे, एक्टिंग कर रहा है क्या? हाँ
अभी अभी शुरू की है और फैंस को अच्छी भी लग रही है। हमारे बॉस ने अपनी बहन से शादी करने के लिए तुम्हें दहेज में पैसे दिए थे और तुमने किसी और को पत्नी बना लिया। अच्छा, नकली शादी की है पैसों के लिए। उन पैसों से गोविंद का उधार चुकाऊंगा। इसको बोलते धंधा धंधा। दुर्गा ने अभी तक शादी नहीं की। तू बात करूं से अब तक शादी नहीं की। तुम्हें भागे तो वो किससे करती। अरे दुर्गा की शादी हो इसीलिए तो भागा था। अभी क्या बात कर रहा है। अरे खबर है उस दिन क्या हुआ था। चक्कर आ रहा है। इतना दर्द भरा फ्लैशबैक मुझसे सुनाया तो नहीं जाएगा पर पब्लिक की डिमांड है तो सुना देता हूँ। इतनी उतावली क्यों हो रही हो। शादी से पहले ये सही नहीं। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे तो किसी और से प्यार है। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अपने भाई को ये सब क्यों नहीं बताया। उसे टपका देगा और फिर तुमसे शादी। तो आप क्या प्लान है। अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है। अगर एक साल में बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो फिर उसके साथ भाग जाऊंगी। नहीं तो तुम तो हो ही। और सुन लो ये राज राज ही रहे। शादी के लिए इतना भरा पड़ा था सारे अरमानों पर पानी फिर गया और मैं विलन बन गया ताकि दुर्गा खुश रह सके। अमेरिका में ताने सुनता रहा। वो देखो भगोड़ा दूल्हा ये अपनी शादी से भाग गया था। पैसे के कर्जे से ज्यादा मैंने गालियां जमा कर ली। तुम्हारी मर्जी। तुम चाहो तो ये बात गोविंद को जाके बता सकते हो। ठीक है हैदराबाद चल के भाई को ये सब बातें फेस टू फेस बता दो। चलता ना जरूर चलता पर शादी करवानी है वो करवा दे आ जाऊंगा। इससे क्यों पूछ रहे हो। इस साले को फोल्ड करके सीधे भाई के पास ले चलते। पटेल प्यार से बात कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सर पर चढ़ जाओगे। एक बात तो समझेगे हो रातों के भूत लॉलीपॉप से नहीं मानते। लगता है तुम सब लोगों को फाइट का रिपीट टेलीकास्ट दिखाना ही पड़ेगा। तू रहने दे भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बता क्या करना है। हमारे साथ शादी माँ चलो। क्या मतलब। मतलब साफ से जैसे ही शादी हो जाएगी गोविंद के पास ले चलना। भाई ये उल्लू का बट्टा हमें उल्लू बना रहा है। सच में इतना खर्चा करके इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हो। अरे कुछ दिन गुजराती मेहमानी के मजे भी ले लो ना। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। घर वालों से क्या कहोगे। ये मेरे मामेरे और मौसेरे भाई छे। मतलब रिश्तेदार। इनके माथे पर तो गुंडा लिखा है। ये सच है। हम उसको मारने सॉरी हम पट्टू भाई की शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। मैं भी उसको मारने सॉरी। मैं पट्टू भाई का रिश्तेदार हूँ और मैं एक बड़ा पुजारी हूँ मंदिर से आया हूँ। मैं गरीबों की मदद के लिए पार्ट टाइम एनजीओ चलाता हूँ सर। मगर सारी लेडीज कहाँ हैं। मिली नहीं ना इनको लड़की मिली नहीं। बेचारे सब के सब आज तक गवा रहे हैं। कुंडली में लिखा है 10 साल तक 100 लोगों की शादियों में अगर ये सेवा करेंगे तो इनको अच्छी लड़की मिल जाएगी। इसलिए मैं इन गुंडों को मेरा मतलब है कि मेरे रिश्तेदारों को इनवाइट करके यहाँ पर ले आया। बहुत अच्छा किया। अब एक्स्ट्रा नौकरों की जरूरत नहीं है। ये लोग तो फ्री में काम कर लेंगे। मंडप बांधने से लेकर बर्तन धोने तक सारा काम इनसे करवाएंगे। कम बोल वरना तुझे भी धो डालेंगे। मतलब सब रिश्तेदार मिलजुल के काम करेंगे तो मजा आएगा। सबने अपना इंट्रो दे दिया ना। चलो अब चलकर फ्रेश हो। मेरा इंट्रो तो बाकी रह गया। ये कौन है। मामा। बोले तो मामू। यस आई एम मामा श्री बट नॉट दैट गंस मामा। तुम्हारा पट्टू पटेल मेरे साथ काम करता है। अचानक गायब हो गए। तुम तो यही पर सेटल हो गए। बेचारा वाकई होटल एकदम अनाथ हो जाएगा। पर ये तो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है ना। तो तुमने ये बता के रखा है। ठीक है अगर एप्पल नाम से मोबाइल कंपनी हो सकती है तो फिर होटल के नाम से सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों नहीं। सॉफ्टवेयर ही है अवाकाई सॉफ्टवेयर। सीता पट्टू को किसी तरह पटाओ। अगर ये नहीं लौटा तो अवाकाई के पूरे स्टाफ को सब्जियां बेचनी पड़ेंगी। अपने स्टाफ की इतनी चिंता दी तो वही रुक जाना चाहिए था ना। इधर क्यों आ गए। वो क्या है कि सीता की बहन ने फेसबुक पर इन दोनों की फोटोज अपलोड कर दी। मुझे पता चला कि यहाँ शादी है। मामा के आशीर्वाद के बिना कैसे हो सकती है। जेट लैग लॉन्ग जर्नी आई वॉन्ट रिलैक्स वेयर इज किचन। जेट लैग है ना। जेट लैग में ऐसा होता है भाई। वेयर इज माय बेडरूम बाथरूम। गीता की शादी की वजह से हमें अचानक इंडिया आना पड़ा और फिर इंसानियत के नाते मैं मदद करने के लिए मजबूर हो गया। अच्छा सच में। अरे बासी चावल को फटे दूध में मिलाकर उसकी खीर बनाकर बेचने वाले। तू क्या किसी की फ्री में मदद करेगा। मुझे मामू मत बना। गैस होने लगती है। कुछ भी मोहतरमा साहब की पर डे फीस कितनी है। अरे फ्री में कर। 1 लाख रुपए। तुम बहुत बुरे फंसे हो। और नहीं फंसना है तो 50% मुझे दो। फेयर नहीं छे। जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर तुम ब्लैकमेलिंग के बिजनेस में क्यों नहीं। पैसा बोलता है। बोलो मनी मनी। व्हाट वाट लगने वाली है तुम दोनों की जब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। देखो क्या कलयुग की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। क्या पाप का इंटरनेशनल घड़ा भर चुका है। क्या पता मेबी एक शातिर लड़की जिसने अपने ही घर वालों के खिलाफ भयानक साजिश रची जिसने अपने ही घर वालों का भरोसा तोड़ा एक बार नहीं दो बार उन्हें धोखा दिया। क्या फैमिली में वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं रही। कौन है इसका असली जिम्मेदार। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा कपल जिसने अपने ही घर वालों को चीट किया। गौर से देखो इन्हें। गौर से देखो। मुझे
मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, अगर गलती से हमारा भांडा फूट गया तो प्राइज मनी वापस लेंगे क्या? नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है ना, ऐसे में पॉजिटिव थॉट कैसे आ सकते हैं? बोलो क्या बोलते हो? यह बहुत बड़ी चीटिंग है, एक राज को छुपाने के लिए कब से मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी तो इस राज को राज रखने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। उठो जल्दी से उठो, राजशेखर अंकल अपनी फैमिली के साथ पहुँचने ही वाले हैं, जल्दी से उठो। 6 बजे उठना लक के लिए अच्छा नहीं होता, 9 बजे उठूंगा। तुम्हें कैसे उठाना है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। गेट अप! चुप भैया, माफी मांग जल्दी से। सॉरी। कान पकड़ के चल चल चल, कान पकड़ जल्दी। सॉरी। अबे बोल पटेल सर। पटेल सर सॉरी, बाहर में जाओ। बोल पटेल सर सॉरी। वहाँ टकरू है, छोड़ना मत उसे। हाँ, छोड़ना मारिए। फ्री एंटरटेनमेंट लगे रहो, इस घोड़ी की लगाम तुम ही संभाल सकते हो। आज अचानक होम मिनिस्टर के पास क्यों? अबे कर्नूल हमारा इलाका नहीं है, होम मिनिस्टर की मदद से काम आसान हो जाएगा। सो यू वॉन्ट मिस्टर पटेल, लेकिन तुमने तो कहा था वो मिडिल क्लास से है, तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारे स्टेटस का लड़का मिल जाएगा। मैंने उससे अपनी बहन की शादी करवाने की कसम खाई है, ये मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी। सुबह सुबह काम की मीटिंग के लिए काय को बुला रहे हैं, अब उनके बाथरूम का टाइम होता है, अभी बुला लिया तो बोल 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 जल्दी बोल। ए दासू, हमसे बराबरी? ए दासू का मुकाबला सिर्फ दासू कर सकता है, तू कौन है बे? बाबा अभी ठोकता साले को। शांति से काम लो बेटा, दासू दुश्मनी भारी पड़ेगी। धमकी किसे दे रहा है तू? अबे दुश्मन के मोहल्ले में जाकर सबको उड़ा देता हूँ, तू कौन है बे बता मेरे को? तेरी समाधि इधर ही बनाऊँ क्या? अबे इधर का डोन एक किच्चे, एक किच्चे। ओ मैं कन्या, अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। बोला ना धीरज रख। दासू अब हमें एरिया बांट लेना चाहिए। तू कौन होता है एरिया बांटने वाला? सारे बाहर की कमाई मेरी और पान पट्टी तेरी, सिनेमा हॉल मेरा, साइकिल का पार्किंग तेरा, सारी खजूर मेरी और कुटली तेरी। में क्या बोल रहा है? अरे छी छी छी। अरे लोगों सुनो, गोविंद ने अपने बाप को मार दिया, आज बाप मरा कल बेटा मर जाएगा, अब से मेरा राज। पापा, पापा, खांची। मैंने कहा था ना दिमाग को शांत रख के काम करो। सॉरी पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जिंदगी में कब कौन सा काम सही किया है? पापा, दुनिया में जिस किसी ने गलत तरीके से पैसा बनाया है उसका अंत किसी बुलेट से ही हुआ है। बेटा अपनी बहन की शादी किसी नेक इंसान से करवाना। बोलिए पापा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चावा और एक टॉट, टॉटनेट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढना। पापा, पापा, पापा।